अभी सृधर महाराज की मन में इच्छा है अध्यात्म रस लेकर घर में एक लाली की जरूरत है, क्योंकि आप देखना घर में जब कोई लड़की आती है ना, दुनिया कहते घर में लड़की आई, घर में लक्ष्मी आई, लेकिन बेटा आए तो कोई नहीं कहता नारायण आए, कोई बोलता नहीं, लेकिन बेटी आए तो क्या बोलते दुनिया, घर में लक्ष्मी आई। देखना जब लड़की की दान करते हैं और लक्ष्मी रूपा मान करके कन्या दान करती है, कन्या, इसने बताया कि कन्या दान को सबसे बड़ा दान, कन्या दान को सबसे बड़ी दान बताई गई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का बात है, घर में कोई बेटी आए ना दुखी दुखी हो जाते हैं, अगर बेटा आए तो बड़ा आनंद हो जाते हैं, लेकिन बेटी आए तो दुखी दुखी हो जाते हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। देखो जब घर से पिता बाहर जाता है ना, बेटा कहता है पिताजी क्या लाओगे, और बेटी क्या कहती है जानती हो, पिताजी कब आओगे, पिताजी कब घर में आओगे। इसलिए बिना बेटी भले ही शादी हो गई तो अपना ससुर घर चली जाती है, लेकिन वही से खबर लेती रहती है, मेरे पिताजी कैसे, मेरे माता जी कैसे, हर समय वो खबर लेती रहती है। इसलिए घर में बेटा आए नहीं तो बेटी आए, दोनों को कितना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी नहीं होगी माता नहीं होगी फिर दुनिया रहेगा बता, नाती पोती भाई बंधु चाचा चाची कहाँ से आते, माता है तब तो दुनिया बढ़ रही ना है। इसलिए माताओं को श्री लक्ष्मी स्वरूप माता जी को लक्ष्मी स्वरूप मानी गई है। इसलिए बृजवाज महाराज की मन में इच्छा है घर में एक लाली हो। बृजवाज महाराज रोज यमुना में स्नान करने जाते थे, एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए गए, देखा एक सततल कमल फूल को पर में बड़ी सुंदर एक प्यारी एक बालिका किलकारी मारते हुए शरीर की जो छटा से ज्योति से चतुर्दिग उद्भास उज्जला उज्जला हो रहा था, एक सुंदर लाली पानी में बहते बचा रही, और बृजवाज महाराज पानी में उतरे और बेटी को उन्होंने गोद में ले लिया। बोले श्रीमती राधा रानी, उन्होंने कृतिका सुंदर को दिए, बोले देखो ठाकुर कैसे कृपा है, हम सोच रहे थे घर में लाली होनी चाहिए, देखो एक लाली घर में आ गई। अभी कृतिका मैया लाली को बड़ी आदर पूर्वक उसको लाल में पालन कर रहे थे। नारद जी देखा कृष्ण गोकुल में जाते हुए, लेकिन कृष्ण अकेले कभी नहीं आते, वो अपना शक्ति को साथ में राधा जी को साथ में आते हैं। बोले भैया राधा रानी जरूर कहीं ना कहीं थी ईश्वरी जी जन्म हुई है, उन्होंने ब्रज की गली गलियों में जा करके सबको घर में पूछ रहे हैं। बोले भैया आपके घर में कहीं लाली हुई है, कहीं विशाखा कहीं ललिता कहीं चंपकलता सब सखियां सब। बोले भैया राधा रानी कहाँ पर, जब उन्होंने श्री रावल में आए वृषभानु महाराज से पूछे, बोले घर में कोई बच्चा हुआ है, तब उन्होंने श्रीदाम भैया बुलाए, बोले घर में कोई लाली भाई की नहीं, चुप हो गए। बोले बताओ ना, बोले हाँ एक लाली भाई, बोले ले करके आओ। जब ले करके आए तब उन्होंने श्री राधा रानी को दर्शन की, बोले श्री राधा रानी, बोले भैया इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन वो क्या समझते हैं ये तो साधारण कोई बच्ची, लेकिन साधारण बच्ची नहीं, वही मक्खेश्वरी प्रियेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासन स्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी श्री राधे के नमस्ते सबका जो ईश्वरी श्री राधा रानी। कृष्ण की लादनी शक्ति इनकी स्वरूप शक्ति इनकी पराशक्ति श्री राधा रानी, ये जगत में जितने शक्ति है ना वो कहाँ से आती है, बोले श्री किशोर जी से। इसलिए उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी ये कौन है, बोले राधा अवतार सब आपनायकवाणी, ये सबके सब ईश्वरी राधा रानी से प्रकट होती है, और जितने अवतार सबके सब भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। इसलिए अभी नारद जी राधा जी को थोड़ा स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन पिता माता तो सोच रहे हैं कि मेरा लाली इनको पता नहीं यही भगवान की प्राणेश्वरी है, उन्होंने बहाना बनाए, थोड़ी सी फूल ले आओ, आपकी बच्ची को मैं स्वस्ति वाचन करके आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब वृषभानु महाराज घर में गए ना, इतने में राधा रानी बालिका से किशोरी मिल गई, ललिता विशाखा सखियां प्रकट हो गई, इतने में ललिता श्री नारद से बोल रहे, बोले बाबा क्या देख रहे हो, अभी अभी राधा रानी अंदर ध्यान हो जाएगी, जल्दी जल्दी राधा की स्तुति करो। तब श्री नारद जी बड़ा सुंदर एक स्तुति की, माते को ध्यान देकर सुना, इसका नाम है
राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अगर यह स्तोत्र को कोई पढ़ेगा निश्चित रूप में राधा रानी की उसके ऊपर कृपा होगी। अगर ये श्लोकों को कोई राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार कोई पढ़ लो, राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होकर के राधा रानी स्वयं दर्शन करती है। इसमें इतने शक्ति ये स्तोत्र में है। अगर ये स्तोत्र को अगर पढ़ोगे ना, एक देवी नहीं अनंत कर्ण देवियों की स्तुति हो जाती। क्यों? राधा रानी से सब देवियां प्रकट होती है। इसका हम दो श्लोक पढ़ते हैं। जितना यहाँ पर भक्त लोगों का आता है मेरे साथ साथ में पढ़ो, ठीक है? बोले गोविंद बिंद वंदित त्रिलोक सोत राधा जी को ऊपर कर दिए और कृष्ण का हाथ स्पर्श पाते ही राधा रानी का हृदय एकदम ठीक उठा। इतने में से राधा रानी ने आंख खोल दिया। आंख खोल के तो सबसे पहले श्री कृष्ण को देखे। विश्वास महाराज तो उत्सव कर रहे थे लेकिन मन में थोड़ा दुखी था। बेटी तो जन्म हुई लेकिन जन्म से आज बंद करके पता नहीं अंदर अंदर में क्या कुछ सोच रही है। लेकिन जब राधा ने आंख खोल दिए ना, वृषभान महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और उत्सव को मैंने बड़ा चढ़ा करके मैंने राधा रानी जन्म महोत्सव किए। देवता देवी जिस महोत्सव में आए थे असम के सब आनंद किनारे कीर्तन कर रहे थे। लेकिन भैया लेके चलेंगे अभी प्रभु जी भजने गाएंगे। राधा रानी की जन्म है ना, इसमें जो नाचेगा ना राधा की कृपा होगी। राधा रानी कौन? लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी से राधा रानी घर में खूब माल आएगा। राधा रानी की जन्म उत्सव जो नाचेगा घर में खूब माल आएगा। क्यों? लक्ष्मी देने वाले राधा रानी ना, वो मेन लक्ष्मी से राधा रानी। अभी चलिए ले आओ बोलो बोले साने वाली बोल राधा रानी की जय जय श्री राधे। अरे यहाँ पर कोई कपी है? कपी है कुछ ले आता हूँ। राधा रानी प्रकट भया बधाई राधा रानी प्रकट भया बधाई बाजे रे।
लोग ऐसे खड़े हैं जैसे बिल्कुल बर्फ जम है। सभी लोग नाचे की राधा रानी का जन्म है, सभी नागनाथ के बधाई देके राधे राधा रानी को भयो Yeah.
एक बार हाथ उठाकर सभी बोलेंगे, एक ध्यान से बोलो।